हमने लास्ट टाइम रिफ्रैक्टिंग सरफेस की थी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमने जितने भी डायग्राम लास्ट टाइम बनाए थे उसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था, हम ओ पॉइंट लेते थे और अपना रे डायग्राम कंप्लीट करते थे। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, साइज है ऑब्जेक्ट का साइज है टी ओ, इसकी इमेज भी बनेगी, उसका कोई साइज होगा, उसका इमेज का साइज क्या है टी आई। तो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, रिफ्रैक्शन हुई और इमेज बनी, तो जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनी ऐसी इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनेगी। तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, पॉइंट टू बी नोटेड जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेटा हुआ है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना मैग्निफिकेशन। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऐसे में कितना साइज है इमेज का, कितना साइज है ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज भी परपेंडिकुलर ही मिलेगी, तो हम बोलते हैं साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी मैग्निफिकेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन है। क्लियर है यहां तक? तो दो टाइप की मैग्निफिकेशंस हैं, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं आता और कॉम्पिटिशन के अंदर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हालांकि कॉम्पिटिशन की बुक्स में गिवन है। हम सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करेंगे, एक लाइन में एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, क्योंकि साइज काफी बड़ा है और हम अपने रिजल्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका पॉइंट ले लो dx और इसकी दूरी कितनी है यहां से x, और इमेज कहां पर बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ y, तो इमेज का डिस्टेंस y और कितना साइज है dy। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में ये जो है कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हमने करनी नहीं है, तो आप आराम से रिलैक्स करें, डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आएगा। आपने क्या करना है, ये जो रिजल्ट है ये आपको क्या दे रहा है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको v बाय u भी बोल सकते हैं या ti बाय t नॉट भी या m मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। आपने सिर्फ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बॉक्स में लिख लेना है, मैग्निफिकेशन इज म्यू वन इंटू वी स्क्वायर म्यू टू इंटू यू स्क्वायर इफ नीडेड। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते दिखते नहीं है, पर फिर भी अगर यूज हो जाए कम से कम फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का मतलब साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मूला म्यू वन इंटू वी स्क्वायर म्यू टू बाय यू स्क्वायर मार्क कर लेना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें आपने। ठीक है यहां तक? ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, प्रूफ जरूरत नहीं है इसकी करने की। दूसरा फॉर्मूला, अगर लेटरल मैग्निफिकेशन है, लेटरल में कुछ नहीं करना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है एच नॉट, इमेज की हाइट है एच आई, आपको निकालना है एच आई बाय एच नॉट। तो एक रे सीधी जा रही है सेंटर में से, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जा रही है, नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो सेंटर से पास करेगी और नॉर्मल के अलोंग जाती हुई रे कभी बेंड नहीं होती, और एक रे सीधा पी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन शो कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा टू। यहाँ पर स्नेल लॉ लगेगा, म्यू वन इंटू साइन थीटा वन म्यू टू इंटू साइन थीटा टू, ये रहा म्यू वन साइन थीटा वन म्यू टू साइन थीटा टू, एंगल छोटे हैं तो थीटा वन थीटा टू, एंगल में क्या करेंगे इसको टेन थीटा एज्यूम कर लेंगे, थीटा वन की जगह एच नॉट बाय यू, थीटा टू की जगह एच आई बाय वी। तो ये मैंने पुट कर लिया, यहाँ से एच आई बाई एच नॉट की रेशियो ही मैग्निफिकेशन है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, इसका भी प्रूफ नहीं आता कि म्यू वन इंटू वी बाई म्यू टू इंटू यू, ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में स्क्वायर आता है, इसमें स्क्वायर नहीं आता, ये दूसरा फॉर्मूला है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर सफिशियंट है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है यहाँ तक?